गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम ने एक CONCACF चैंपियंस कप का मैच हो रहा है जो कि एक जैकपॉट मैच में समझ में आ रहा है मेरे, क्योंकि ये बिल्कुल जैकपॉट मैच है। अगर इस मैच में ना जीते तो भाई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत इजी भी मैच है। तो सबसे पहले मैं पैचुका की बात करूँ, पैचुका टीम ने अभी लास्ट मैच में मैक्सिकन लीग में अपना TIG टीम को हराया, जो कि सीज़न की सबसे टॉप टीम रह चुकी है। और मेरे को वो चीज़ देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये टीम फ्लॉप है, लेकिन इस टीम ने इतनी तरक्की की है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर बाय किए हैं इस साल कि ये टीम बहुत आगे निकलती जा रही है। इसलिए मैं हैडरिनो की बात करूँ तो हैडरिनो अपनी लीग में सबसे फ्लॉप टीम है, तो हैडरिनो को बिल्कुल भी फेवर मत करना, तभी ये मैच आपका जैकपॉट बनेगा। अगर आपने हैडरिनो को फेवर कर दिया या उनके 5 प्लेयर ले लिए तो आप ये मैच बुरी तरीके से हार जाओगे, इसलिए ये गलती मत करना। बाकी देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं सीधा सीधा स्ट्राइकिंग की ओर। तो पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं रॉन्डोन को लूँगा। देखिए, एस रॉन्डोन ने मेरा दिल जीत लिया, इससे महाबकवास प्लेयर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। और आज ये बंदा इतना आगे निकल चुका है कि इसने जो इसको बेकार मानते थे, जैसे मैं भी इसको बड़ा बेकार प्लेयर माना करता था, लेकिन आज इस बंदे ने दिल जीत लिया। और मैं इस बंदे को अब सैल्यूट करता हूँ कि ये होता है गेम प्ले, इसे कहते हैं कम बैक। जो बंदा पूरे सीज़न फ्लॉप था, इसने इतना सीज़न प्रीमियर लीग में बताया, इसको खिलाते तक नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये गोल नहीं करता था, और अब इसने गोल्स की बारिश कर दी है, इसलिए मैं इसके साथ जाता हूँ। एंड अगर आगे से अगर बात करूँ तो देखिए, फील्डिंग में एक और इद्रिसी, एक ई सेंचियस, ठीक है सेंचियस तो चलो मस्ट पिक है, लेकिन इद्रिसी भी मस्ट है। और एक इनका प्लेयर है एन डेसुआ, इस बंदे ने 4 अप्रैल को एक असिस्ट की थी, और 4 अप्रैल के बाद एक गोल, एक मैच हुआ था इस टीम का, टाइगर्स उनल के खिलाफ हुआ था, जो मैं बोल रहा हूँ टीआईजी टीम के अगेंस्ट, इस बंदे ने एक गोल एक असिस्ट किया था और इस बंदे ने दिल जीत लिया था, क्योंकि उस मैच में ये बंदा मेरी टीम में था और इसकी सिलेक्शन ना के बराबर थी, इसलिए मैं इसको लूँगा। ऑपोजिशन टीम का मैं ई एगुलर लूँगा, उसके बाद जी टॉर्स, जो लास्ट मैच का कॉम्बिनेशन था। टॉर्स पिछले मैच में खेला नहीं था, बट एज अ सब्स्टिट्यूशन आया था, नहीं आया तो गैलो को ले लेंगे, बट अभी मैं टॉर्स के साथ हूँ। एंड मैं इनकी स्ट्राइकिंग की बात करूँ देन गार्जा, ठीक है, बट गार्जा मैंने ट्रस्ट उतना नहीं कर रहा, ठीक है, बट लेने लायक प्लेयर है, जस्ट टीम में ले रहा हूँ और भूल जाऊँगा टीम में लेके, क्योंकि रॉजर्स के साथ तो मैं यहाँ पे जा नहीं रहा, रॉजर्स तो बिल्कुल ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। एंड डिफेंडिंग की बात करें देन एस बैरेटो के बाद बी गोंजालेस, उसके बाद एल लुइस को लूँगा, क्योंकि कैबरल थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है, नहीं तो कैबरल लेता, लेकिन अब फॉर्मेशन में बदलाव आया है। एंड बात करें गोल कीपिंग की तो लेस्कैनो इनका पुराना प्लेयर है HER का, तो HER टीम तो गोल तो खूब खाती है, वैसे पता नहीं भाई क्या करता होगा ये, पता नहीं मेरे को, मतलब इस पर ट्रस्ट में दिखा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है। एंड बात करें यहाँ पर कैप्टन की, तो कैप्टन है रॉन्डोन, वाइस कैप्टन है इद्रिसी, यही कॉम्बिनेशन है भाई इस मैच में। तो ये अगर आपने कॉम्बिनेशन से हटे तो आपकी दुर्घटना घट जाएगी इस मैच में, साफ बता रहा हूँ, अगर कॉम्बिनेशन बदला तो मैच गया, ठीक है, इसलिए हारो मत, आप मेन कॉम्बिनेशन के साथ जाओ, उसके बाद जो मर्जी हो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एक की प्लेयर ले ही लिया है, आपने डेसुआ ले लिया, आपने गार्जा ले लिया, आपने टॉर्स ले लिया, आपने लुइस ले लिया, तो इतने की प्लेयर्स वाली टीम है, तो इसमें अगर रिस्क नहीं है इतना, ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर इस टीम के साथ खेलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।